Go. Like, share, subscribe, study. Thank you. It's a down in a Bible to the video. ये है मेरी टीम, हम शूट पाए हैं धनोल्टी मिसेस इंडिया का शूट था जो कि 10 डेज चला। आज हमारा फाइनल शूट ख़त्म हो चुका है। ये बीच में जो हमारे साथ देख रहे हैं ये हमारे डायरेक्टर हैं करण, और ये कुछ बोलने वाले हैं अब। जी करण, 1 2 3 पैगा। कौन दादा बताएंगे कि उनको कैसा रहा शूट पे, कैसा क्या क्या करा, कैसा एक्सपीरियंस रहा? मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। जिशान भाई के साथ एक बार फिर से काम करने का मौका मिला, नया क्रू था, हर कोई बहुत अच्छा है, बहुत सपोर्टिव था। हमने बहुत मस्ती भी की है, ऐसा नहीं कि हमने सिर्फ काम किया है, मस्ती भी की है, शूट भी किया है, सब कुछ किया है, हेल्प भी किया है। सो इट वॉज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। एंड अब हम बात करेंगे अपने डायरेक्टर मिस्टर करण जी। करण सर, मैंने जिंदगी में अपना पहला इवेंट शूट करा है। ओके, नए क्रू के साथ, वो भी ब्यूटी पेजेंट। ओके, बाकी लोग पहला इवेंट बर्थडे पार्टी शूट करते हैं। ओके, तो मेरे को इवेंट में अच्छा स्टार्ट मिला। आपका डीओपी के साथ कैसे ट्यूनिंग रहा? डीओपी थोड़ा डीओपी के बारे में एंकर साहब बताइए। एंकर साहब आप बताओ। ये हमारी एंकर है, पीस टू कैमरा दिया है ना जी। आपको कैसा रहा है? अच्छा था। क्या अच्छा था एक्सपीरियंस? मैं तो सभी लोगों के साथ फर्स्ट टाइम काम किया है, और ये बहुत बड़ा इवेंट था, पूरे हफ्ते का कंटेस्टेंट्स भी बहुत अच्छे थे, टीम भी बहुत अच्छी। अब हम अपने हेड एंड टीम के हेड जिशान सर से बात करेंगे। जी जिशान सर, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? आपको टीम की तरफ से क्या प्रॉब्लम्स आई या क्या क्या अच्छा रहा उनके साथ? नहीं,
नहीं, सबसे पहले तो मैं थैंक्स कहना चाहूंगा डायरेक्टर सर करण सर, मल्होत्रा जी एंकर एंड विक्रम सर, पीओपी मिस्टर रजा फारूक साहब और फरहान साहब एंड ऑल गौरव साहब, ऑल ऑन ऑल क्रू, सबको मैं थैंक्स कहना चाहूंगा। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, सभी ने बहुत अच्छे से वर्क किया और इन लोगों के साथ वर्क करके मुझे भी बड़ा मजा आया। एक इतना एडवेंचर टाइप अपन लोगों ने शूट किया और ये जो हमारा एक्सपीरियंस है ये बहुत दिनों तक अपनी एक छाप छोड़ के चला गया है जो कि हमें याद रहेगा। थैंक्स ऑल टीम। ये हमारे स्टील दादा हैं गौरव जी। जी गौरव जी, आपने किस किस तरह से पोज बनवाए, कैसा कैसा रहा आपका? ये मेरे लिए यूनिक इवेंट था, मेरे लिए बहुत अच्छा रहा और मेरे सपोर्टर काफ़ी अच्छे थे, मेरे को सपोर्ट विक्रम ने बहुत अच्छा किया। ये इवेंट बहुत हटके था और इस इवेंट में सबने मेरे को सपोर्ट किया है, एज ए DOP प्रोड्यूसर डायरेक्टर सब ने मेरे को सपोर्ट किया है। आई लव दैट, थैंक यू किसान भाई। रजा का भी नाम ले लो। ये हमारे राहुल हैं, ये पूरा इक्विपमेंट देख रहे थे। जी राहुल भाई, पहले तो आप सब लोगों का शुक्रिया, आप सबके साथ काम करके बहुत मजा आया। फर्स्ट ऑफ ऑल हाँ, बस पहाड़ियों पर चढ़ने में बड़ा मजा आया, आप तो होते ही रहते हैं। ये दूसरा राहुल है जो कि मेकिंग शूट कर रहे थे, रोहित, सॉरी रोहित। हेलो सर, आप मेरी टीम बहुत प्यारी थी, आई लव माई टीम और मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था ये पूरी टीम के साथ, प्रोडक्शन हाउस के साथ, और ये मेरा काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। आप लोगों ने सब ने सपोर्ट बहुत अच्छे से किया मुझे और बहुत प्यार दिया है, इसके लिए थैंक यू, थैंक यू एवरीवन। ये हमारे चौबे जी हैं जो कि साउंड कर रहे थे। हाय गाइस। जी चौबे जी, बहुत अच्छा लगा यहाँ काम करके, मैं साउंड किया, बहुत बड़ा क्रू था और बहुत लोग थे और बहुत एक्सपीरियंस मिला, और हमारे सीनियर दिशान सर हमें बहुत सहयोग दिए, और गुड्डू सर, करण सर, विक्रम सर, गौरव सर, मैडम मल्होत्रा, बहुत लोग ने, हम सब लोगों ने हमारा सहयोग दिया और हमें बहुत अच्छा लगा टीम के साथ। और हमारे भाई जो हैं हमारे साथ क्रू के हैं, हमारे मेंबर, वो भी बहुत अच्छे हैं, और सारी टीम को आई लव यू। जी जनाब, आपका एक्सपीरियंस बताइए। हेलो गाइस, यहाँ पे देहरादून में बहुत मजा आया और ये धनोल्टी में बहुत बढ़िया लगा। और सर ये हमारे दानिश दिल्ली से आए हैं, बीच में इनको बुलाना पड़ा, इनके बगैर काम नहीं हो पा रहा था, तो इन्होंने आके बहुत काम खिंचवाया। तो दानिश, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा यहाँ पे करण सर के साथ, जिशान भाई के साथ? बहुत बढ़िया, और जिशान सर का मैंने बहुत नाम सुना है, आपसे भी सुना है, फरहान भाई से भी सुना है, और DOP फर्रुख रजा से बिल्कुल सुना है, तो बहुत ही अच्छा लगा। फर्स्ट टाइम काम करने का मौका मिला मुझे इनके साथ में और बहुत मजा आया। हमारे जो रजा भाई जो हमारे सीनियर DOP हैं, इन्होंने अभी हम सबसे पूछा कि हमारा एक्सपीरियंस कैसा था, तो अब इनकी बारी है। ये जो शख्स आप देख रहे हैं सामने जो मंद मंद मुस्का रहा है, यही है, ठीक है। तो अब हम इनसे पूछेंगे कि इनका एक्सपीरियंस क्या था हर एक के साथ का। हेलो गाइस, मेरा एक्सपीरियंस अच्छा था लेकिन थोड़ा सा फाड़ू था, जैसे कि हम दिल्ली से निकल चुके, ईशान भाई ने कहा कि मैं एंकर को साथ में लेके आता हूँ और तुम निकलो, मैं पूरी गाड़ी अपने पूरे क्रू के साथ निकल चुका, फिर रास्ते में कॉल आती कि नहीं नहीं तुम रुको, मैं आ रहा हूँ, मैं आपको ज्वाइन करता हूँ और एंकर बाद में आता है। तो टेंशन पूरे रास्ते होता क्या कि ट्रैवलिंग के टाइम पे सोया जाता है, ठीक है, लेकिन इसमें हमारी टेंशन ये थी कि हमें एंकर नहीं मिल पा रही, फिर खैर हमें मिल गई फाइनली और वो आई। देन जब शूट पे पहुंचे तो करण भाई का थोड़ा सा बीच बीच में हो रहा था, अब मैं शूट पे भी ध्यान रख रहा था, करण भाई का भी ध्यान रख रहा था, करण भाई बहुत स्लिप हो रहे थे, पत्थर पे से गिर रहे थे। देन यहाँ आते हैं तो थोड़ा सा क्लाइंट की तरफ से रिक्वायरमेंट थी जिम्मी जिप की, उसको लेके थोड़ा सा फिर टेंशन में आए जिशान भाई और हम, और फिर खैर फाइनली हमें जिप देहरादून से मिल गई और हमने जिप मंगा ली, और बहुत सारी आंटियां थी, ठीक है, और उन आंटियों के बीच में एक मस्ताना अलबेला हमारे ड्रोन दादा थे, जो कि सब आंटियां बहुत अच्छे अच्छे कोट पहन रही थी, सब एकदम बिल्कुल पैक थे, और ये बंदा हमारा सिर्फ शॉर्ट में था, तो इनको देख के अलग ही मजा आ रहा था।
हमारे फोटो वाले दादा स्टील दादा ये गौरव जी, गौरव जी ये हमारे अलग वे में चल रहे थे ठीक है, इंटरव्यू फरहान छाप रहा था, मैं उनके ब्यूटी शॉट निकाल रहा था, ये हमारे लिए आगे पहाड़ों में उनको गिरा रहे थे, उनकी सैंडिली टुटवा रहे थे ठीक है, पत्थर से स्लिप करा रहे थे, करण भाई उनके ऊपर पानी छिड़कवा रहे थे, ठंड उनके पानी डालो ठीक है, और हमारी जो एंकर है वो बेचारी शर्माती है, उनसे जैसे बात करते हैं तो एकदम फेस टर्न कर लेती है जैसे अभी शर्मा रही है तो सबके साथ बहुत अच्छा था, लेकिन मेरा एक लाइट दादा था वो बहुत अच्छा था, जैसे कुछ गलती होती थी जी सर जी सर जी सर हाँ सर ये हो गया सॉरी अभी अभी हो जाएगा तो, लेकिन पूरा शूट में मजा आया। फाइनली जो हमारा आउटपुट जाना चाहिए हमें क्लाइंट की तरफ से ये सुनने को मिला कि आपकी टीम बहुत अच्छी थी, आपकी टीम की सबने तारीफ की और नेक्स्ट टाइम ये टीम फिर से आएगी। थैंक यू गाइस, थैंक यू। बोला है बेचारा न जाने किस पे आएगा, मैं अपना दिल तो आवारा न जाने किस पे आएगा। नेक्स्ट मेजर नेक्स्ट अजब है दीवाना नजर न ठिकाना जमीन से बेगाना पलक से जुदा, एक टूटा हुआ तारा न जाने किस पे आएगा, मैं अपना दिल